साउथ की फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक अपने एक्शन और डायलॉग डिलीवरी से तालियां बटोरने वाले रजनीकांत राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। तमिलनाडु में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और रजनीकांत ने बताया है कि वो 31 दिसंबर को एक जरूरी ऐलान करने वाले हैं। ये ऐलान उनकी पार्टी से संबंधित जरूरी घोषणा हो सकती है। ऐसे में थलाइवा की राजनीति में एंट्री को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। एंट्री भी लोग फिल्मी होने की आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि अटकलों के मुताबिक कहा जा रहा है कि रजनीकांत राजनीति में ऑटो से एंट्री लेंगे। सूत्रों के मुताबिक उनकी पार्टी का सिंबल ऑटो रिक्शा हो सकता है। दरअसल ऑटो रिक्शा से रजनीकांत का एक अलग ही जुड़ाव है। अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने एक नई रजिस्टर्ड पार्टी जिसका नाम है मक्कल सेवई कच्ची, उसे ये सिंबल अलॉट किया है। इसका अर्थ है जनता सेवा पार्टी। जिस एड्रेस पर ये पार्टी रजिस्टर्ड हुई है वो एड्रेस रजनीकांत के फॉर्म हाउस से मिलता जुलता है। जानकारी के मुताबिक इस पार्टी ने ऑटो रिक्शा के अलावा विक्ट्री साइन की तरह दो उंगलियां दिखाते हुए सिंबल की मांग की थी, लेकिन ये सिंबल कांग्रेस पार्टी से मिलता जुलता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इसे अलॉट नहीं किया। रजनीकांत जिस फिल्म से सुपरस्टार बने थे उस फिल्म में उन्होंने एक ऑटो रिक्शा चालक की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म थी बाशा, जो साल 1995 में रिलीज हुई थी। खबर ये भी है कि रजनीकांत की पार्टी तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। साथ ही जनवरी महीने में रजनीकांत पोंगल के दौरान पार्टी से जुड़ी कुछ और बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।